मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरोप लगाया है कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं, जिसके बाद क्षेत्रीय पार्षद ने पहुंचकर इस मामले की पूरी जानकारी ली और उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी। ऐसे में उच्च अधिकारियों ने यह आश्वासन दिलाया है कि जाँच की जा रही है, कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद के सीएमओ ऑफिस में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के नाम पर की जा रही अवैध उगाही का आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक योजना बनाते हुए पर्दाफाश कर दिया और अधिकारियों को बुलवा कर कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके चलते काफी देर तक हंगामा मचता रहा और कार्यालय में खासी भीड़ जमा हो गई। दरअसल दोपहर के समय मुरादाबाद के सीएमओ ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर बने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कक्ष में अचानक हंगामा होने लगा। लोगों की भीड़ वहां मौजूद अमित कुमार नाम के कर्मचारी पर अवैध उगाही का आरोप लगाकर हंगामा कर रही थी। जो लोग आरोप लगा रहे थे, दरअसल वो भाजपा के कार्यकर्ता और नवीन नगर क्षेत्र से निगम पार्षद अजय देवाकर अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद थे। इनका सीधे तौर पर आरोप था कि अमित नाम का कर्मचारी बिना पैसे लिए काम ही नहीं करता, इसलिए उन्होंने 100 रुपए के नोट का नंबर लिखकर अपना काम कराने भेजा था, जिसकी वीडियो भी उनके पास है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद एसीएमओ भी पहुंच गए, जिसके बाद भाजपाइयों ने उनका घेराव करते हुए आरोपी कर्मचारी की तलाशी लेने का दबाव बनाया तो वह 100 रुपए का नोट उसकी रैक से निकल गया। बस फिर क्या था, भीड़ ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करना शुरू कर दिया। मैं जन्म का कागज लेके था कुछ दिन पहले और अब उन्होंने बोला था कि 1 बजे के बाद आ जाता, 2-3 दिन बाद। तो मैं आज कागज लेके आया था और मैंने कहा सर इसका क्या देना है, तो उन्होंने कहा 100 रुपए दे दो। तो आपने पैसे दिए? जी, कैसे नोट दिया सर मैंने, नया वाला। अच्छा अच्छा, पकड़े कैसे गए वो? सर वो बेंच के नीचे ही रखा था उनके नोट। आपने शिकायत कहाँ की? मैंने भैया को बुलाया। हमारे वार्ड का एक जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र यहाँ बनता है, यहाँ सीएमओ साहब के यहाँ, तो यहाँ पर एक लड़का जो बैठता है वो उसे अमित नाम का लड़का है जो यहाँ देख रहा है उस काम को उसके ऑफिस में। वो पिछले कई दिनों से हमारे वार्ड का कोई आता था उससे 100 रुपये पर प्रमाण पत्र के लेता था अपने साइन करने के जाँच के नाम पर। आज एक हमारे वार्ड का एक लड़का, ये वरुण सैनी है, ये अपने ताऊ जी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आया, तो इस जन्म का, तो जन्म बच्चे का, तो उसमें इन्होंने क्या करा, नोट का नंबर हम इन लोगों ने लिख लिया, बाद में उसे दिए, तो इसकी सूचना हमें मिली कि उसने पैसे नहीं लिए। तो मैंने सीएमओ साहब को अवगत कराया, अभी जो एसीएमओ साहब थे उन्होंने उसकी जांच करी, इसके केबिन में वो 100 रुपये पाए गए और नंबर मैच करे, वही नंबर था 100 रुपये का। तो कहने का मतलब यह है कि ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। कई जगह ऐसा मामला होता है कि रिश्वत थम नहीं पा रही, ये लोग जो अधिकारी हैं ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और ये कहता है, ये लड़के का कहना था कि ये पैसे सीएमओ साहब से लेके सबको जाते हैं, हमारे डेली का हम लोगों का काम है, तो निडर होकर काम करें ये लोग, कोई इन पर अंकुश नहीं लग रहा। मेरा निवेदन यही है डीएम साहब से और सीएमओ साहब से, कमिश्नर साहब से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, जिस और बल्कि जेल भेज दिया जाए ऐसे लोगों को, जिससे सुधार कुछ कानून व्यवस्था में आ सके। किस पार्टी से आते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 7 से। भीड़भाड़ लग रही थी यहाँ पे, शोर शराबा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने चैम्बर छोड़ के यहाँ पे मैंने देखा तो क्या दिक्कत आ रही थी, तो ये वरुण साहब खड़े हुए, इन्होंने ये कहा कि मैंने, इन्होंने 100 रुपये मुझसे मांगे और एक नंबर इन्होंने बताया, इस नंबर का नोट है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मीडिया बंदी भी नोट है, नोट पाया गया है, मतलब ये बताइए नोट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नोट मतलब वही पाएगा नंबर वाला जो था, वही नंबर है जो नंबर ये लड़का बता रहा है। कौन कर्मचारी का नाम बताए, कौन कर्मचारी इस पर है, किस लिए लेता लिया गया पैसा जी, कौन कर्मचारी है? ये तो कहना संभव नहीं है कि कर्मचारी ने स्वयं लिया है, नहीं, नहीं, कर्मचारी का नाम क्या, कर्मचारी है, किस चीज के लिए पैसे आपके केबिन में कर सर, ये कौन क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए पैसे? जन्म मित्र क्या काम होता है इसे? यहाँ पे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ पे होता है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का कार्य यहाँ पे संपादित किया जाता है। तो आपने 100 का नोट प्राप्त किया, मतलब केबिन से 100 रुपीज की नोट।